हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं पूनम हेल्थ जंक्शन यूट्यूब चैनल के किचन में आपका फिर से एक बार नई रेसिपी के साथ स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक रेसिपी बताने जा रही हूँ। आज हम राजमा मसाला बनाने वाले हैं। पंजाबी लोगों का फेवरेट राजमा मसाला होता है, तो आज हम महाराष्ट्र स्टाइल में राजमा मसाला बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं राजमा मसाला। राजमा मसाला के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए ये देखिए, मैंने 200 ग्राम राजमा लिया है। अदरक नसल लहसुन और नारियल का पेस्ट बना के लिया है मैंने। कांदा लहसुन मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, हींग पाउडर, कड़ी पत्ते की आज 10 पत्ते हैं, एक प्याज मैंने बारीक कट करके लिया है, एक टमाटर मैंने काट के लिया है, एक तेज पत्ता लिया है और एक गरम मसाला लिया है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने गैस पे एक कुकर रख दिया है। अब मैं उसमें 3 चम्मच ऑयल मिलाऊंगी। ये देखिए 3 चम्मच ऑयल थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ते के जो पत्ते ली है वो मिक्स डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया है वो डालेंगे, एक प्याज काट के लिया था वो भी डालेंगे और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज थोड़ा सा ब्राउन करना है हमें। ये देखिए मैंने एक तेज पत्ता लिया है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए अब 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1/2 चम्मच हींग मिलाएंगे, 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला मिलाएंगे। ये देखिए आप अपने टेस्ट के अनुसार तीखा डाल सकते हैं। अब मैंने जो ये छोटा टमाटर लिया है वो अब डालेंगे और अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर एकदम तेल में घुल जाना चाहिए, एकदम मिक्स होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से भून लेंगे। हमने जो गरम मसाला लिया था वो 1 चम्मच हम मिलाएंगे। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन और नारियल का जो पेस्ट हमने बना के लिया था वो भी हम इसमें अब ऐड करेंगे। ये देखिए इसका 5 मिनट ऐसे ही हिलाएंगे इसका तेल अलग छूटने तक। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी तरह इसका तेल अलग छूट गया है और ग्रेवी अच्छे से हो गई है हमारी। अब हम उसमें जो राजमा लिया है हमने वो डालेंगे, अच्छी तरह वो मिक्स कर देंगे। देखिए इसका कलर कितनी अच्छी तरह से आ गया है। मैं भूल गई थी आपको मूंगफली बताने के लिए, 1/2 बाउल मैंने मूंगफली ली है वो अब हम इसमें डालेंगे और 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी मिलाया है। थोड़ा सा ग्रेवी की ज़्यादा ग्रेवी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी थोड़ा सा मिलाया है। ये देखिए अब हम इसे ढक्कन लगाकर इसकी 3 सीटियाँ कर देंगे। ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, अब 3 सीटियाँ कर देंगे। ये देखिए मैंने राजमा की सब्जी एकदम तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे उस पर। ये देखिए मैंने थोड़ा सा उधर राइस भी रख दिया है। तो फ्रेंड, आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
बाय बाय, टेक केयर।